मैंने लिटरली बहुत टाइम से इंडियन सिनेमा के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो देखो यार, फाइनली इस साल की वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड, मोस्ट वायलेंट और मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म यानी कि एनिमल स्टारिंग रणवीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा, उसका जो ट्रेलर है पहले 21 को आना था, अब 23 तारीख को फाइनली उसका जो ट्रेलर है वो आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ये इतना खतरनाक है और क्यों मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हाई एवरी वन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बींग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, अगर मेरे को आपके सामने इस ट्रेलर का रिव्यू सिर्फ एक वर्ड या फिर एक लाइन में करना हो, मैं बोलूंगा लिटरल गूज़बम्प्स मैन, वॉयलेंट, भयंकर। भाई साहब, ये क्या बनाया है! और मुझे नहीं याद कि मैंने इंडियन सिनेमा के अंदर बहुत टाइम तक ऐसा कुछ देखा हो। तो उसके लिए संदीप रेड्डी वांगा को दिल से सैल्यूट है मैन। मतलब अगर इंडियन सिनेमा के अंदर इस तरीके की चीज बन सकती है ना, तो कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब कुछ भी हो सकता है। और यकीन मानो, मैंने इस ट्रेलर को 3 बार देखा है और तीनों बार गूज़बम्प्स आए हैं भाई। मतलब इतना मजा आया ना इसको देख के कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब अब वेट नहीं हो रहा कि इसको जाके देखना है भाई। और बात करें अगर इस ट्रेलर के हाईलाइट के बारे में, पहला, इसके अंदर जिस तरीके से आपको इमोशन दिखाया गया भाई साहब, मतलब जिस तरीके से फादर और सन के बीच का बॉन्ड दिखाया गया कि एक लड़के को अपने बाप के लिए इतना प्यार है कि उसको सही गलत में फ़र्क करना नहीं आ रहा और वो अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उसको। मतलब उसका बाप उसके लिए सब कुछ है और जिसने उसके बाप को हाथ लगाया वो लिटरली उसकी गर्दन काट देगा। मतलब एकदम क्रेजी लेवल शिट मैन। और जिस तरीके से उसको आपके सामने पंजाबी गानों के साथ और जिस तरीके से एक बड़ी प्यारी सी ट्यून पे चल रही है, वो इमोशंस को और ज़्यादा एलिवेट कर रही है। डेफिनेटली आपको वो फील होने वाला है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसका वॉयलेंस, खून खराबा देखना है, वॉयलेंस देखना है, आपको झलक दिख जाती है भाई साहब की क्या होने वाला है। चाहे वो जिस तरीके से वो भाई साहब गन चला रहा है आगे, वो हो, और जिस तरीके से भाई साहब वो अकेला जाके गोली मार रहा है, आप देखोगे आपको समझ में आएगा। आपको इस मूवी की वॉयलेंस लेवल का जो एक लेवल है ना, वो आपको समझ में आएगा। और जिस तरीके संदीप रेड्डी वांगा ने बोला है कि आपको वॉयलेंस देखना है, मैं दिखाता हूँ, वो आपको यहाँ पे फील होता है भाई साहब। 2 मिनट का ट्रेलर और लिटरल गूज़बम्प्स जिसको बोलते हैं, और कमाल के वॉयलेंट सीन। इसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स दिखाए गए, चाहे बात करो रणवीर कपूर के कैरेक्टर की, जिस तरीके से वो प्यार भी करता है और वो पागल भी है, दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना जिसका कैरेक्टर जो है थोड़ा सा आई वुड से वो टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर है विद रणवीर कपूर, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका प्यार उसके लिए मैटर करता है। उसके अलावा अनिल कपूर, एक ऐसा फादर जो कि जानता है कि उसका बेटा पागल है, उसका बेटा क्रिमिनल है, लेकिन वो उसको रोक नहीं रहा है, वो शांति से बैठ कर देख रहा है कि किस तरीके से जो पावर का ट्रांसफॉर्मेशन है उससे उसके बेटे में जा रहा है, ब्रिलियंट। और फिर आता है भाई साहब इसका लास्ट पार्ट, और इसमें सबसे कमाल का कैरेक्टर भाई साहब बॉबी देओल, इनके लिए अलग रिस्पेक्ट है मैन। मतलब जस्ट लुक एट द लास्ट सीन जिसके अंदर वो फाइट कर रहे हैं रणवीर कपूर से, उसकी बैंड बजा के रखी है, एक हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, या लिटरल बैंड जिसको बोलते हो, क्या बॉडी है भाई साहब। और एंडिंग वाले सीन में वो उसके ऊपर लेट के सिगरेट पी रहे हैं, स्वैग, हीरो गया तेल लेने, जिस तरीके से ये बंदा भाई साहब नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, गूज़बम्प्स। उस सीन को बड़ी स्क्रीन पे देख के लिटरल गूज़बम्प्स आने वाले, मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन बहुत जबरदस्त लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको 3 बार देखा है। इसके बाद बात करें जिस तरीके से इसकी स्टोरी होने वाली है, मतलब ऐसा नहीं है कि खून खराबा चल रहा है बस, कोई मतलब नहीं है उसका, प्रॉपर स्टोरी, प्रॉपर मोटिव और प्रॉपर बैंड बजाई जाएगी भाई साहब, वो भी इन द सेंस ऑफ वॉयलेंस, इन द सेंस ऑफ जिस तरीके से यहाँ पर आपको वॉयलेंस देखने को मिल रहा है। कुछ सीन्स हैं लिटरली आपको अंदर से झंझोड़ देंगे कि कैसे भाई साहब रणवीर कपूर अकेले जा रहा है और वो जाके
एक बंदे को गोली मारता है, और एक बार वो एक बंदे को आरी लेके ऊपर चढ़ाता है। दो सीन देखना, और जिस तरीके से वो एक सीन के अंदर बंदूक चला रहा है लेकर, होए 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 होए, किलर स्वैग जिसको बोलते हैं, अलग लेवल का। इसके बाद जिस तरीके से आपको यहाँ पर BGM सुनने को मिल रहा है, मतलब वो इमोशंस को, इस ट्रेलर को, इस मूवी को लिटरली हाइप करता है, और जो इसके लिए हाइप है ना वो अब लिटरली यहाँ पहुँच चुकी है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैंने बहुत टाइम तक ऐसा कुछ इंडियन सिनेमा में नहीं देखा है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बोल सकता हूँ कि ठीक है अगर इसका बॉक्स ऑफिस कम भी रहता है, लेकिन जिस तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी बन के निकलेगी। जवान, पठान, टाइगर 3, इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्टेंट की, तो ये मूवी है जो डिलीवर करने वाली है। तो इन द एंड देखो, आप लोगों से बस इतना बोलूंगा कि मेरे को जो इसका ट्रेलर है वो जबरदस्त लगा। मैं लिटरली इसके लिए वेट कर रहा हूँ। 1 तारीख के बजाय मेरे को अगर आप ये आज भी दिखाते हो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आज ही ये दिखा दो, इतना हाइप हो गया हूँ मैं इसके लिए। तो ये थे मेरे थॉट्स, मेरा रिव्यू अबाउट द ट्रेलर ऑफ एनिमल। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपको ये कैसा लगा नीचे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।